हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु का विकास महिला के लिए बहुत अहम होता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिला हर वो काम करती हैं जिससे गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ रहे और स्वस्थ पैदा हो। साथ ही हर महिला की यही चाहत होती है कि वो एक स्वस्थ, हेल्दी, हष्टपुष्ट और बुद्धिमान शिशु को जन्म दे। ऐसे में गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ रहे और उसका दिमाग तेज हो, इसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान ही कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने जा रही हूँ कि गर्भावस्था के दौरान शिशु का दिमाग तेज होने के क्या क्या तरीके हैं ताकि जन्म के बाद शिशु आपका बुद्धिमान हो। दोस्तों, शिशु बुद्धिमान हो उसके लिए सबसे पहला तो ये है कि गर्भावस्था के दौरान अपने खान पान, डॉक्टरी सलाह और रूटीन का विशेष ध्यान रखें। खान पान कैसा होना चाहिए पहले वो जान लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान दालों का भरपूर सेवन करना चाहिए। दालें प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत होता है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के बेहतर विकास में मदद करती है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिला को दिन में कम से कम एक टाइम एक कटोरी दाल का सेवन जरूर करना चाहिए ताकि गर्भ में पल रहे शिशु के दिमाग का विकास सही तरीके से हो। साथ ही अगर आप मसूर की दाल का सेवन करती हैं तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद है शिशु के लिए। दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट का सेवन। कई महिलाएं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो दूध का कम सेवन करती हैं, दही कम खाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में प्रोटीन, फैट की मात्रा मौजूद होती है जो गर्भ में शिशु के दिमागी विकास को बढ़ाने में मदद करती है। ऐसे में डेयरी प्रोडक्ट का अवॉइड करना बिल्कुल भी नहीं है आपको। आपको दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ भरपूर मात्रा में खाने चाहिए। उसके बाद ड्राई फ्रूट का सेवन। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप चाहती हैं कि आपका शिशु गर्भ से ही बुद्धिमान हो तो आपको अखरोट सबसे ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अखरोट का सेवन अगर आप करती हैं तो ये आपके गर्भ में पल रहे शिशु के दिमागी विकास को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ आपको और भी ड्राई फ्रूट जो होते हैं उसका भी आपको सेवन जरूर करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा दोस्तों। आप चाहें तो दूध में भी मिलाकर इन चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। एक जो जरूरी चीज़ है वो कद्दू के बीज का है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कद्दू के बीज का सेवन किया जाए तो गर्भ में पल रहे शिशु के दिमाग बेहतर तरीके से काम करेगा और विकास करेगा। उसके बाद हरी सब्जियों का सेवन। विटामिन्स, आयरन, प्रोटीन, फाइबर और अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है हरी सब्जियों में। गर्भावस्था के दौरान ये जो प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर हैं, इनकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि शिशु का विकास इसी से तय होता है दोस्तों। आपको हरी सब्जियों का सेवन भरपूर मात्रा में करनी चाहिए ताकि शिशु के दिमागी विकास सही तरीके से हो सके, मानसिक विकास में कोई कमी न रहे। फलों का सेवन प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है। गर्भ में पल रहे शिशु के दिमाग को तेज करने के लिए प्रेग्नेंट महिला को सब्जियों के साथ साथ फलों का भी सेवन भरपूर मात्रा में करनी चाहिए। आप जामुन का सेवन, संतरे का सेवन, सेब, अनार, ऐसे फलों का सेवन जरूर आपको करना चाहिए। उसके बाद पाँचवें महीने के बाद से आपको अपने शिशु से बात भी करनी चाहिए। शिशु से अगर आप बात करती हैं तो भी शिशु के दिमाग का विकास सही तरीके से होगा, क्योंकि शिशु आपसे जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। आपको पहले से ही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपने व्यवहार को सही रखें, आप ज़्यादा गुस्सा नहीं करें, अपने रूटीन को सही रखें और अपने शिशु से बातें भी करें, वो भी आपकी बातों को सुनेगा, क्योंकि छठे महीने के बाद शिशु आपके बात को सुनने लगता है, समझने की कोशिश करने लगता है। इससे भी आपके शिशु का दिमाग तेज होगा। प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप तनाव में रहेंगी तो शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पे बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि आपके शिशु का
दिमाग तेज हो तो गर्भावस्था के दौरान खुश रहना सीखें। तनाव बिल्कुल भी नहीं लें, रोएं नहीं, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खुश रहें। तनाव को बाय बाय करें दोस्तों। अगर आप तनाव मुक्त रहेंगी तो आपके शिशु का विकास सही तरीके से होगा, मानसिक विकास अच्छे से होगा दोस्तों। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर आप फॉलो करती हैं तो आप एक स्वस्थ, हेल्दी और तेज दिमाग वाले शिशु को जन्म देंगी। अगर आप माँ बनने वाली हैं तो आप जरूर इस वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान रखें और जो मैं बताई हूँ उसके बारे में ज़रूर सोचें। आप खुद देखेंगे फर्क पड़ जाएगा। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।